नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। राजस्थान के जालौर स्कूल में एक दलित छात्र की पीट पीट कर हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। औरैया के मुख्य मार्गों पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने निकाला कैंडल मार्च। मीडिया से बात करते हुए धीरेन्द्र कवि ने आरोप लगाते हुए कहा, 9 साल के दलित छात्र इंद्र के स्कूल के मास्टर का घड़ा छू लेने पर मात्र उसकी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। अभी हाल में ही हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। आजाद देश में एक ऐसी स्वतंत्रता है जो एक दलित बच्चा के द्वारा मास्टर का घड़ा छू लेने पर मास्टर ने पीट पीट कर बच्चे की हत्या कर दी है। ऐसे मनवादी मास्टर को फांसी दो, समर्थकों के द्वारा सैकड़ों की संख्या में फांसी दो के नारे लगाते हुए जुलूस निकालकर नारेबाजी की। मुंशिप कोर्ट जिला न्यायालय में जेसी चौराहे होते हुए सुभाष चौराहा पर कैंडल लगाकर बच्चों की शांति के लिए मौन धारण कर न्याय की मांग की गई है। डिस्ट्रिक्ट में जो 9 साल का तीसरी क्लास में पढ़ता था तो उसको मनवादी मानसिकता, जातिवादी मानसिकता के अध्यापक द्वारा सिर्फ एक घड़े को छू लेने की वजह से आज हम लोग अभी कुछ ही दिन पहले आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाए हैं, तो हमें ये नहीं लग रहा है कि पूरे देश के लिए देश को संसार करने वाली घटना है कि एक घड़े का पानी छू लेने मात्र से जो समाज दूषित अपने आप को समझ लेता है वो 9 साल के मासूम को इसलिए मार पीट पीट के हत्या करते उसने घड़ा छू लिया। इसलिए हम लोग पूरे देश के अंदर ये आक्रोश है कि दलित समाज का बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं था, वो स्कूल में पढ़ने वाला छात्र था, आर्टिकल 25 इस देश में लिंग जाति और समुदाय से सार्वजनिक स्तर पे किसी भी चीज को छूने की मनाही है। जब यहाँ पे जातिवाद है नहीं, छुआछूत है नहीं, तो किस आधार पे उस बच्चे को इस तरीके से मार पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। 3 दिन के बाद उसकी जान गई और कांग्रेस सरकार के जो ये दोहरी चरित्र नीति के आधार पर, अभी आपने देखा होगा कि कन्हैया लाल की जब हत्या हुई एक मुस्लिम के द्वारा की गई तो उनको 50 लाख का मुआवजा, 2 लोगों को नौकरी तत्काल दी गई। और कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो न सिर्फ परिवार से मिले जाके और तत्काल 24 घंटे के अंदर उन्होंने ये सब किया, और वही इससे पहले 2 महीना पहले भाई जितेंद्र मेघवाल की भी हत्या हुई उसमें भी उन्होंने मुआवजा घोषणा की, अभी तक नहीं मिला। और फिर उसके 1-1.5 महीने के बाद ये वाला प्रकरण हुआ इसमें भी उन्होंने आज तक वो घर नहीं पहुंचे हैं और घटना को लगभग 14 तारीख से 10 दिन हो चुके हैं, ना तो कोई कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता पहुंचा, ना ही मुआवजा और ना ही नौकरी के लिए। इसलिए पूरे देश में आक्रोश, हम लोग इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आज शांति कैंडल मार्च के माध्यम से उतरे हैं। क्या रणनीति आगे की रणनीति है? पूरे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 2 बार राजस्थान जाते हैं लेकिन राजस्थान की सरकार उनको परिवार के लोगों से मिलने नहीं देती है और उन लोगों को मिलने देती है जिसका उस परिवार से, उस समाज से कोई लेना देना नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।